सोना, सोने वाले बाबा कहते ना बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता, तो उस चीज को गलत साबित करने के लिए घर से निकला हूँ मैं। भाई देख नहीं रहे भाई साहब। दोस्तों 8 बज चुके हैं और 56 जो 56 मार्केट थी, तो वहाँ से जो सराफा बाजार है वो लगभग 4 किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने में लगभग। अरे 1 घंटे में पहुँच जाएंगे यार। दोस्तों यहाँ से जो सराफा मार्केट है वो बचा है 1.5 किलोमीटर, और इस समय हमें लाइट मार्केट, ये देख सकते हैं आप दोनों तरफ, या तो आपको साउंड से रिलेटेड कुछ, साउंड से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलेगी। इंदौर में थे, सराफा बाजार के बिल्कुल नजदीक है। आपका नाम क्या है? प्रवीण शर्मा। और इन्होंने रोक के हमसे बातचीत करी, बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया हमारा, और इनसे बातचीत करी, और इन्होंने जम्मू कश्मीर की जानकारी ली, वो मैंने दे दी है, और इन्होंने एक बहुत बड़ी भेंट दी हमें, और थैंक यू इसके लिए। दोस्तों फाइनली हम इंदौर के सराफा बाजार में आ चुके हैं, और 10 बजे से यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, और लोगों की भीड़ तो आप देख रहे हैं, 10 बज रहे हैं। कुछ टाइम के हम पीछे बैठ के आए हैं, अभी मैं बातचीत कर रहा था घर पे ही, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है भाई। ये देखिए रात के 10 बज रहे हैं तब इतनी भीड़ है यहाँ पे, आप सोचिए। तो यहाँ पे ना रात के ये खाने पीने के जो फास्ट फूड के दीवाने होते हैं ना, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। पानी पूरी 10 रुपये, 10 फ्लेवर, वाह पहली बार देखा रहे मैंने भाई। दही बड़ा हाउस, दोनों तरफ आपको दुकान मिल जाएगी। ये सराफा बाजार है, यानी कि सराफा फास्ट फूड से कहेंगे इसे हम, इधर आपको बस खाने की चीज़ें मिलेगी। इसके लिए हम रुके हुए थे यहाँ 10 बजे तक, हमारे पास ऑप्शन भी था, यहाँ से 300 मीटर पहले क्या कहते हैं एक गुरुद्वारा था, क्या है रिंग है इनके पास, देखिए यहाँ पर रिंग्स भी मिलती, मतलब आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी इधर, खाने पीने की चीज़ें भी, हनी पिज्ज़ा, इतने फ्लेवर इनके पास भाई साहब, ये हनी पिज्ज़ा 2004, क्या बात है भाई साहब। पान मसाले देखो भाई, हमारे तो बजट से बाहर है ये, फ्रूट्स सो, वाह क्या बात है, अंग्रेज खाना है पीछे। तो ये दोस्त है, कितने का भाई? 40 का एक है, एक सोर्स है तो उसका देखिए भाई, सबसे बड़ा जामुन, ठीक है ओके, नहीं 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 भाई, तो भाई 40 रुपये का एक सोर्स है। तो जामुन का जो मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं रन ऑफ कच्छ के लिए जा रहा था तो वहाँ पे मैंने पिया था, टेस्टी था भाई साहब। खाने पीने की यूट्यूब दी वर्ल्ड फेमस, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम क्या है? महाकाल कोकोनट क्रश स्पेशल इंदौरी मलाई कोकोनट चॉकलेट, हो गया यहाँ पर कुछ लोग मिले आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ पे लोग कहते हैं ना बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता, तो उस चीज़ को गलत साबित करने के लिए घर से निकला हूँ मैं, 6.5 महीना घर से बाहर हो गया है, और ये मेरा 11वां स्टेट है, 11वां स्टेट है, हाँ जी, पैदल चलता हूँ, लिफ्ट लेता हूँ, नहीं मिलेगी तो पैर जिंदाबाद है, और आप देख रहे कितना फिट हूँ मैं, 24 घंटे में एक बार खाना मिलता है बस, मुझे कोई खिलाएगा तो खाऊंगा, नहीं तो चलता रहूँगा। आप लगा लो 10 स्टेट कवर कर लिया मैंने, ये 11वां मेरा, उत्तराखंड से स्टार्ट किया था, यूपी का रहने वाला हूँ मैं, एक स्टेट में मैं 1.5 मिनट से, एक स्टेट में हम पूरा घूमते हैं हर जगह, ये नहीं कि तीर्थस्थल घूमते हैं, वो डिपेंड करता है लिफ्ट वाले के ऊपर, इतना फोर्स नहीं करते हम, मिलती है वैसे, हाँ मिलती है मिलती है मिलती है, हाँ लेकिन हम लोगों को देख के ना, जब बाहर देखते हैं ना वो तो दे देते हैं बहुत लोग, अच्छा है मतलब कि हमारा भारत अच्छा है, तो यहाँ के इंसान जो ना वही दिखाने के लिए घर से बाहर निकला हूँ मैं, कहते हैं ना बिना पैसों का तो कुछ नहीं हो सकता, हो रहा है, देखो आपके सामने खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल फिट, चेहरे पे स्माइल, सुबह से खाना सिर्फ 9:30 बजे खाया था, नहीं नहीं आपके लिए यार ये बहुत ज्यादा हो गया, ये कुछ नहीं हुआ है खाना, आप जैसे थैंक यू भैया, बिल्कुल अपना पार्सल लेके जाए हमसे, अरे नहीं
लेके ही जाना पड़ेगा बच्चा। अरे भाई भाई नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंजलि नामदेव। आप सराफे में आए हो, आपका स्वागत है। और आप यहाँ से भूखे नहीं जाएंगे, आप एक दिन नहीं बोले दो दिन का पार्सल लेके जाए, लेके जाना ही पड़ेगा। आपका नाम क्या है? अनिता शर्मा है, शर्मा बाबा जी मेरी दुकान वहाँ पे। आप इधर ही रहते हो? ये शर्मा पाव भाजी है, मेरा अंजलि नाम दे नाम है, सिद्धि विनायक चाइनीज पॉइंट मेरी दुकान है। अरे वो भाई मार्केटिंग कर चला है, बिजनेसमैन है ये तो। हम सब लेकिन आपको लेके ही जाना है। ओके ओके थैंक यू, मैं अभी घूम के आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे वाह भाई क्या फैमिली मिली है, और पूरा मार्केट घूम के आता हूँ, मुझे ये मिल चुका है। ये मैम की जो स्टोर है पाव भाजी है, खाना खा के जाना पड़ेगा भाई इधर से। भाई बहुत टेस्टी है भाई, ये मजा आ गया इसे पीकर। जो पूरी की पूरी जो मतलब की स्ट्रीट है, गली है, ये सिर्फ खाने की चीज़ों से भरी पड़ी है। यहाँ पे नए लोग भी आते हैं देखने के लिए, जो मुझे दिख रहे हैं नए लोगों की पहचान यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ? जो लोग ऊपर नीचे देख रहे हैं ना, वो नए लोग हैं। मतलब जो क्योंकि लोगों को तो पता रहता है कि हम किधर आए हैं। भाई बहुत बड़ा मार्केट है यार, ये तो खत्म ही नहीं हो के तेरा कहाँ तक बसा हुआ है। पॉपकॉर्न, अरे यार रात के 10 बजे घूम रहा हूँ। पहले कि यहाँ मार्केट के अंदर आते ही थोड़ा सा मजा आ रहा है, क्योंकि लोग भाई चहल पहल ज्यादा है। यहाँ पर बैठे थे अपने लोग इतने नहीं थे, क्योंकि वर्ल्ड फेमस। इधर थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ यार मैं। 8 मिनट हो रही है, और इतना क्रश देख सकते हैं आप सब। दिल्ली फेल कर दिया भाई इधर इंदौर में। सोना सोने वाले बाबा, ये देखिए इंदौर में भाई बहुत पैसे वाले लोग भी रहते हैं। अरे भाई मिसबिहेव करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा, बड़े लोग छोटे लोगों को भगाते हुए, नॉर्मल है इंडिया में तो। देखिए डोसा क्राफ्ट राजमा भी जानकी लाल, यार कितना करूँ, ये तो बहुत बड़ा है भाई। रसगुल्ले खाने का मन है मेरा, बढ़िया चीज़ है भाई। शाही फलूदा सस्ता नहीं होगा, महंगा होगा। प्रकाश कुल्फी फलूदा, आप भाई खाने की चीज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि मुझे पता है आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। मेरे मुंह में तो पानी आ ही रहा है। मालू लस्सी शिकंजी, आय हाय, ओ फाइनली खत्म भी हो गया। शाही दही बड़ा, और यहाँ पे आकर ये लास्ट है। बहुत ऑप्शन है यार इसके अंदर, इधर भी है, इधर पूरा भरा पड़ा है। यहाँ पे लास्ट है ये, लेकिन इधर भी भरा है और इधर भी है। तो दोस्तों मैं बस आपको कह दी हूँ बहुत सारी खाने की चीज़ें यहाँ के अंदर, और नाइट का यहाँ पे जो व्यू है आप इंदौर में आके देख सकते हैं। अगर इंदौर में आप कभी भी आए तो सराफा बाजार में जरूर घूम के जाएं, आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। ओके गुड नाइट, मिलते हैं कल। तो भाई का सराफा फेमस बाजार में, इधर जो पूरा माहौल भाई फेल कर दिया इन्होंने सबको भाई साहब। सराफा फेमस, क्या बात है। और ये स्टार्टिंग में वहाँ भी तो उन्होंने मुझे फ्री दिया था अपनी तरफ से, थैंक यू भाई, बढ़िया। कुछ करके दिखाने वाले हैं भाई, देख नहीं रहे भाई साहब।
भाई साहब ये ऊपर नहीं इधर मेरी तरफ देख रहे हैं लेकिन हाथ वो खोल दिया है, क्या बात है। थैंक यू आपको दोस्तों। एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मध्य प्रदेश के लोग इंदौर में आते हैं स्पेशली इस मार्केट को घूमने भी आते हैं, क्योंकि ये मार्केट बड़ा फेमस है, आपको इसके अंदर सब चीज़ें मिल ऐसे सब चीज़ें मिल जाएगी। तो आंटी जी ये देखिए, इन्होंने हमें ऑफर किया था पाव भाजी खाने के लिए, इनकी दुकान है ये और इनका मैं लोकेशन बताता हूँ, आप देखिए शर्मा जी की स्पेशल पाव भाजी, क्या बात है। और ये हमारे लिए जिक्री है, अभी कांटी जी और आगे उनके भी उनसे मिलने जाएंगे हम। उन्होंने भी कुछ खाने के लिए ऑफर किया, वो कह रहे कि हम पार्सल भी बुक करेंगे, मतलब इतना नहीं भाई खवा दो ये बहुत है। तो सर सुबह से मैं अब लगभग 10:30 बज चुके हैं, पाव भाजी खा रहा हूँ, बड़ी टेस्टी लग रही है भाई, यहाँ की फेमस है ये। उससे आंटी जी ने छोले कुलचे भी दे दिए, दोनों प्लेट हमने खाली कर दिया, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। वाकई में जो पाव भाजी था प्रवीण ने तो एक बार पटना में खाया था, उसके बाद उसका मन ही नहीं करा, वहाँ अच्छा नहीं लगा था, तो यहाँ पे टेस्ट कभी ट्राई नहीं किया, पर यहाँ भाई एक नंबर। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, मैं पाव भाजी खाता नहीं हूँ लेकिन यहाँ इतनी टेस्टी थी, टेस्ट में खा गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा जंक फूड इतना पसंद नहीं है, लेकिन जहाँ टेस्टी होता वहाँ छोड़ता नहीं। दोस्तों आंटी जी ने पानी की बोतल भी दी है, वो ठंडा पानी था, मेरा बोतल खाली हो गया था तो इसलिए हमने ले ली, उन्होंने खुद दी है, वो भी सब फ्री है इनकी तरफ से था। इंदौर में ये मिल रहा है प्यार, बाकी आगे चलते हैं। तो आंटी जी ने हमें बहुत सारी दुआ दी है और खाने के लिए दिया है, सच्चे दादाजी सीनू कहते थे तो वो नाम अच्छा लगता है। और इनकी दुकान आप एंटर करोगे तो आप यहाँ आ सकते हैं, शर्मा जी की स्पेशल। और बाकी मैं मजाक नहीं कर रहा, आप भी सोचो कि इन्होंने खवाए इसलिए वो बात कर रहा, टेस्टी थे, मज़ा आया। चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि थैंक यू। कैमरे पे आके सबका रिएक्शन अलग हो जाता है। चीज हॉट डॉग छोले टिकिया जी बताइए, ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं, भारत की यात्रा भाई। ये दोनों जो आंटी जी बड़ी सख्त थी भाई, रास्ते में जा रही थी उधर से, हम इधर से आ रहे थे, देखती हमने कही कहाँ जा रहे हो भाई, पता है मैं इधर से देखता हूँ नहीं जा रहा था, एक लेडी ने थोड़ा ऐसे हाथ देर थी, मुझे लगी वही है, लेकिन इन्होंने हमें पहचान लिया। तो ये भी इनकी भी शॉप वही है जो उधर आंटी जी की थी, ठीक है, चिली पटेटो मंचूरियन। हाँ तो ये आंटी जी है भाई, इतना प्यार इंदौर में मज़े आ गए। अभी कुछ लड़का, एक लड़का था, दो लड़कियाँ थी, वो भी ट्रेवल के लिए हमारे से पूछ रहे हैं, नहीं पैक कर देना, वहाँ खा के आए उधर से। हाँ तो वो बात कर रही थी हमसे ट्रेवल के लिए कि हम भी घर से निकलना चाहते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल यार, आपके लिए तो फुल सपोर्ट है, लड़कियाँ निकलती है तो फुल सपोर्ट करेंगे हम, आप भी अगर निकलना चाहते हो तो हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करें, फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। और हाँ अगर आपके पास बैग नहीं है ना, मैं ये बैग आपको दे दूँगा, और क्या चाहिए आपको। दोस्तों खाना तो हमने उधर खा लिया था, लेकिन आंटी से लेके नहीं जाते ना तो वो नाच जाती, कहते कि इधर नहीं खा के गए। आपकी शॉप का नाम क्या है? श्री सिद्धिविनायक चाइनीज पाई। और ये देखिए पूरा आपको मटेरियल यहाँ मिल जाएगा इधर यहाँ पे, और ये पूरा ग्रुप है इनका। थैंक यू सो मच इसके लिए। इंदौर में आंटी, इंदौर में प्यार है बरकरार। दोस्तों 11 बज चुके हैं और इंदौर में जो भीड़ है वो बरकरार बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा 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 एहसास होता है कि इंदौर का सारा पैसा इसी बाज़ार में ही खर्च होता है, सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, सिर्फ हमारे ही नहीं उसके भरे पड़े हैं। और ये था भाई पूरा बाज़ार नहीं दिखाई। और इन्होंने आपका नाम क्या है? हिमांशी, आई लाइक इट, अच्छा लग रहा है आपका। और यहाँ पे बाजार स्टार्ट होता है पूरे का पूरा, और कम से कम पूरा चार लाइन में भरता है, इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे सामने जाओगे। ओके अब यहाँ से निकलते हैं भाई। दोस्तों इंदौर में आना तो रजवाड़ा प्लेस है, उसे भी देख के जाना भाई साहब, और मार्केट जहाँ भरता है उसी के सामने, ये देखिए पूरा महल का इलाका है ये।
ये गोपाल मंदिर है, ये होगा रजवाड़ा पैलेस। हाँ बिल्कुल उस तो अभी सोने की जगह पता नहीं कहाँ जाना है। और डांस चल रहा है यहाँ पर, देखिए नागिन डांस। माहौल ये भी है इधर इधर भी माहौल चल रहा है। I like it. At. ओ भाई साहब और ये रजवाड़ा पैलेस है। ये दोस्तों ये आपके जो सामने है रजवाड़ा पैलेस है, ठीक है। इंदौर में आना तो इस प्लेस को भी आप घूम सकते हैं, ठीक है। रात हो चुकी है तो गेट बंद है, इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं और कल हम निकल जाएंगे सुबह उज्जैन के लिए। हाँ दोस्तों 11:29 हो चुकी है और लगभग सराफा बाजार से 3-4 किलोमीटर दूर हमने ये टेंट लगा लिया है, रोड पर ही है बिल्कुल। भाई आज पैदल करो कितना चल लिया, लगभग 18 किलोमीटर घूम लिया मतलब पूरे सिटी के अंदर। तो सुबह हम निकल जाएंगे उज्जैन की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।